Hello experience, welcome to the UPAC analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 27th of August 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. I have also started my UPAC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program for that, you need to visit the Telegram group and the link. ऑफ़ द टेलीग्राम ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम एक्सट्रीमलीट्स फे नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपलोड एनालिस ऑन टाइम सो बेयर विद मी फॉर फ्यू डेज हेयर द फर्स्ट न्यूजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फेयरवेल था तो यहाँ पर क्या क्या बातें कही गई एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है टू रिफॉर्म द फंशनिंग ऑफ द सिस्टम दूसरी बात जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी जे रमना बने थे उसके बाद से विमेन जजेस का अपॉइंटमेंट इंक्रीज हुआ था जिसकी वजह से जो सोशल डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ हुई थी सी जे आई रमना हु टुक चार्ज ऑन अप्रैल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वाज आल्सो मेड इन अपॉइंटिंग मोर विमेन जजेस एंड प्रमोटिंग सोशल डाइवर्सिटी ऑन द बेंच नेक्स्ट है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बने हैं जस्टिस यू यू ललित हु विल टेक ओवर एज द फोटी नाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे तो बेसिकली सैटरडे को ही टेकिंग सेरेमनी हो चुकी है ही विल स्ट्राइव हार्ड टू मेक द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग केसेज एज सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल तो यहाँ पर केसेस को कैसे लिस्ट किया जाएगा उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फंक्शन करेगी थ्रू आउट द ईयर तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स करेंगे जस्टिस यू यू ललित फिर यहाँ पर ये यह कहा गया है कि कभी कभी जुडिशरी कोई जजमेंट देती है तो वो गलत हो जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका भरोसा उठ जाना चाहिए जुडिशरी से कि जुडिशरी ने यहाँ पर गलत जजमेंट दे दिया और लोगों के यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है क्योंकि जुडिशरी अपने जजमेंट्स को ठीक भी करती है और इसके हमारे पास इंस्टांसिज़ भी हैं ही recalled हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैड री due ड्यू प्रोसेस इन द मेनका गांधी केस जहाँ पर पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड किया गया था जो कि सेक्रीफाइस कर दी गई थी इन द ए के गोपालन केस जब प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहेल्ड किया गया था तो यहाँ पर जुडिशरी से गलती हुई थी लेकिन उस गलती को रेक्टिफाई भी तो किया गया ना नेक्स्ट केस में ही देन रेफर टू हाउ द एजीएम जबलपुर डिसीजन अपोल्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि एक डेथ निल था ऑन पर्सनल लिबर्टी फिर उसको रेक्टिफाई किया गया इन द केस पुट्टा स्वामी जजमेंट इन दिस कॉन्टेक्स द सी जी आई सेड कि इंस्टीट्यूशन नेवर हेजिटेटेड टू रेमिडी इट्स तो योर होप अपॉन द इंस्टीट्यूशन कंट बी सो वीक सिर्फ एक जजमेंट की वजह से आपको ये लगने लग जाए कि शेटर हो जाओ कि जुडिशियरी के ऊपर से भरोसा ही खत्म हो गया तो योर होप अपॉन द इंस्टीट्यूशन कांट भी सो वीक दैट इट इज शैट विद वन परसिव्ड अन जजमेंट माई एक्सपीरियंस सो फार हैज़ कन्विस्ड मी दैट इन स्पाइट ऑफ फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बैंड इड द जुडिशियरी डज नॉट फाइंड एट एक्ट रिफ्लेक्शन इन और इसीलिए जो कोर्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों तक उसकी नॉलेज नहीं पहुंच पा रही दे आर बाई डिप्राइविंग द पीपल ऑफ नॉलेज अबाउट द कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है द जुडिशरी इज़ इनडिपेंडेंट लेकिन अगर एडजुडिकेशन ऑफ केसेस की बात आती है लेकिन जब यहाँ पर फाइनेंसिस की बात है पैसा चाहिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो ये तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ही फंड्स देगी ना तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी कभी इंट्रेक्शन की ज़रूरत होती है विद द एग्जीक्यूटिव द जुडिशियरी इज़ इनडिपेंडेंट वैन इट कम्स टू एजुकेशन ऑफ केसेज बट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस और अपॉइंटमेंट्स इट इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन द गवर्मेंट तो अगर यहाँ पर कभी जुडिशरी का इंट्रैक्शन हो रहा है गवर्मेंट के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्मेंट है वो इंटरफियर कर रही है जुडिशरी के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो बेसिकली इंट्रैक्शन की जरूरत होती है तब इंट्रैक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं कि इफ्लुएंस कर रही है यहाँ पर गवर्नमेंट बट इंट्रैक्शन डज नॉट मीन इन्फ्लुएंस टू कॉर्डिनेट एंड टू गेट द कॉपरेशन फ्रॉम द गवर्मेंट इंट्रैक्शन इज इन एविटेबल बट इंट्रैक्शन डज नॉट मीन इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर बहुत बातों को क्लियर किया गया था नेक्स्ट यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से क्विट कर दिया है और इन्होंने एक लेटर भी लिखा है जो कि आया है एडिटोरियल पेज पर जो कि हम डिस्कस भी नहीं करेंगे नेक्स्ट नॉट येट टाइम टू ड्रॉप कॉशन ऑन ग्रोथ फ्रंट आईएमएफ ने लेटेस्ट प्रोजेक्शन में यह कहा है कि सेवन पॉइंट फोर परसेंट इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में पर हाँ डाउन साइड रिस्क है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी भी हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर है इसके अलावा चाइना ताइवान का इशू है इसकी वजह से हमें थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है अब हम चलते हैं आगे एक साल तालिबान के रूल को हो गया तो यहाँ पर वही बताया गया कि तालिबान का रूल इस बार कैसा है तो बेसिकली वैसे ही है जैसा लास्ट टाइम तक कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर पेगासस की बात की गई है पेगासस क्या है एक स्पाइवेयर किसने बनाया है एनएसओ फॉर्म ने बनाया है इसको अब यहाँ पर राजीव चंद्रशेखरन जो कि यहाँ पर मिनिस्टर है इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरसेप्ट की भी है लोगों के डिवाइसेस तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर राइट है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी है का मैटर है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो सेंटर हैज़ लॉफुल राइट टू इंटरसेप्ट टू टेररिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ सेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर तो उनका ये कहना है कि तो सेंटर के पास लॉफुल राइट है टू इंटरसेप्ट टू टेररिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़ तो बस यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेक्स्ट है यहाँ पर यह कहा है केरला हाई कोर्ट ने कि अगर और ज्यादा प्लेसेज ऑफ वर्शिप बने तो लोगों के रहने की जगह नहीं बचेगी तो केरला हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड अ पटिशन सीकिंग टू चेंज अ कमर्शियल बिल्डिंग इन टू अ प्लेस मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप ऑब्जर्विंग दैट फॉर फर्दर रिलीजियस प्लेसिज एंड रिलीजियस प्लेयर हॉल्स आर अलाउड इन केरला विदाउट एनी गाइडलाइंस देर विल बी नो प्लेस फॉर सिटीजन्स टू रिसाइड नागालैंड में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है पहला रेलवे स्टेशन 1903 में बना था तो पहले रेलवे स्टेशन का नाम था दीमापुर रेलवे स्टेशन इन द हार्ट ऑफ द कमर्शियल हब ऑफ द स्टेट वाज इनागरेटेड इन 1903 चीफ मिनिस्टर नेपो रियो फ्लैग ऑफ द धोनी पोलो एक्सप्रेस फ्रॉम शोखूवू रेलवे स्टेशन तो ये दूसरा रेलवे स्टेशन है शोखूवू रेलवे स्टेशन तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है इंडिया को टेन ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है फ्रॉम नाउ अगर हमें दो तक होना है नेट ज़ीरो अभी रिपोर्ट किसने निकाली है तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एक्सपीएम केविन रेड अलॉन्ग विथ फॉर्मर यू एन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉपोरेशंस हेड एंड डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट बिजनेस तो इन सब ने मिलकर रिपोर्ट निकाल दी है तो इंडिया विल रिक्वायर एंड इकॉनमी वाइड इन्वेस्टमेंट ऑफ टेन पॉइंट वन ट्रिलियन डॉलर फ्रॉम नाउ अगर हमें यहाँ पर दो हज़ार सत्तर तक नेट जीरो मिशन करने हैं अकॉर्डिंग टू द गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो रिपोर्ट द इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे अगर दो हज़ार पचास तक करना है वो तो हमारा टारगेट ही नहीं हमारा टारगेट तो दो हज़ार सत्तर तक है तो पचास तक करना है तो थर्टीन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है द रिपोर्ट ऑल्सो सेज अचीविंग नेट जीरो बाई ट्वेंटी सेवेंटी उसकी वजह से हमारी जो एनुअल जी है उसका बूस्ट होगा अप टू फोर पॉइंट सेवन परसेंट और लगभग पंद्रह मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी दो में अब आपको लग रहा होगा जॉब्स कहाँ पर क्रिएट होंगी तो बेसिकली यहाँ पर रिनेबल एनर्जी सेक्टर ग्रीन सेक्टर इन सब में जॉब्स क्रिएट होंगी रीचिंग नेट जीरो बाई ट्वेंटी फिफ्टी वुड लीड टू ग्रेटर बेनिफिट्स ऐसा इनका कहना बेसिकली ये चाहता है कि हम 2070 से 2050 में नेट जीरो हो जाएं। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं कि हमें इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करना है हमें उनको भी यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी बनती है जिन्होंने हिस्टोरिकल एमशन किए हैं इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को हमें देना चाहिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सो द मैटर ऑफ इक्विटी नीड्स टू बी कसिडर ऑलसो वी नीड टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड डेट द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिशन एंड क्लाइमेट चेंज डज लाई विद द वेस्ट क्योंकि वेस्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वेस्ट ने यहाँ पर सारे अमेशन किए तो वेस्ट की रिपॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वेस्ट की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ है.

स्पीकिंग अगेंस्ट द और इट्स पॉलिसीज को ये बोला ये समझा जाता था कि आप यहाँ पर एंटी स्टेट हो पीपल ऑफ ऑल ह्यूज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन अगर वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते थे तो उनको यू इन सब के अंदर जेल में डाल दिया जाता था जिसकी वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता बेल ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाती है जजेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बारिंग अ फ्यू ब्रेव एक्सेप्शन ये मानते थे कि पुलिस ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा होगा हाई कोर्ट्स वर लोथ टू इंटरफेर इंटरफेयर और बहुत कम लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पाते हैं इवन मोर शॉकिंगली दिस वॉज डन ऑब्जर्वेशन दट द कोर्ट वांटेड टू डिस्करेज पटीशन अंडर आर्टिकल थर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉड जस्टिस रमना फेस द ऑनरस टास्क कैसे लोगों का फेथ जुडिशरी में वापस से रिस्टोर किया जाए

लेकर यहां पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस था एंड दे नो थिंग्स गो रॉन्ग देरी विल स्टैंड बाई उनका स्टेटमेंट था द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट एंड ऑब्जर्व स्टेज को हमेशा फ्री पास नहीं मिल सकता जब यहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो तो ये Pegasus के इशू स्टेटमेंट दिया गया था फिर सडिशन को यह कहा गया था कि सडिशन को हम यहां पर स्टे लगाते हैं और तब तक यहां पर कोई भी केसेस लॉन्च नहीं किए जाएंगे अंडर द सडिशन रिसेंटली जस्टिस रमनास बेंच ऑल्सो एग्री टू रिविजिट द ब्रिटिश सडिशन लॉ एज ए इन द सेशन एफ द आई पी सी इन

द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अंडर इंटेंस अटैक फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर कोई बड़ा केस होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होंगे फैसी लॉफॉम्स इन्वॉल्व होंगी तब तो उनको लिस्टिंग मिल जाती लेकिन बाकी केसेज को यहाँ पर लिस्टिंग नहीं मिलती दैट इज द प्रॉब्लम तो वाई सिटीजन फर क्राइंग फॉर जस्टिस देयर वर फोर्सेज हैट टू डिफीट इवन देयर एक्सेस टू दैट राइट नेक्स्ट है टॉक टू काठमांडू तो नेपाल ने यह बोला है कि जो गुरखास नेपाल से रिक्रूटमेंट होता है गुरखास का तो वो यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा है टू द ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट जो कि हुआ था नाइनटीन फोर्टी सेवन में द अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग पर्सनल फॉर द आर्म्ड फोर्सेज हैज़ हैड अ फॉल आउट इन काठमांडू जो कि डेली इग्नोर नहीं कर सकता ये तो या तो अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ सकता द इंडियन आर्मी रिक्रूट्स सोल्जर्स फॉर इट्स सेवन गुरखा रेजिमेंट्स फ्राम एथनिक गुरखा कम्युनिटीज टू थर्ड फ्राम नेपाल एंड वन थर्ड फ्राम इंडिया लास्ट रिक्रूटमेंट तक दिस वर्ड आउट टू बी अबाउट फोर्टी हंड्रेड रिक्रूट्स फ्रॉम नेपाल एनुअली और हर टाइम आपको लगभग तीस हज़ार सोल्जर्स मिल जाएंगे नेपाल से जो कि इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं और वन पॉइंट फोर लैक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडियन आर्मी पेंशनर्स इन नेपाल इन अ कंट्री बैटलिंग मैसे अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर जो पेंशनस मिलती रहती है इसके अलावा सैलरीज मिलती रहती है इसकी वजह से जो उनकी इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलता है लोकल इकॉनमी को बूस्ट मिलता है क्योंकि इसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है तो काठमांडू वॉज एविडेंटली टेकन बाई सरप्राइज जब यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट रिक्रूट्स को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा और सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट को ही रिटेन किया जाएगा और उनको यहाँ पर पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी सेवेंटी फाइव परसेंट होंगे अपार्ट फ्रॉम द अनसर्टेनिटी अबाउट द नंबर्स टू बी हाइड इन नेपाल द क्वेश्चन ऑफ की जो रिटर्नीज हैं उनको नेपाल में कैसे अब्सॉल्व किया जाएगा इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास टेक्स प्लेस अंडर अ नाइनटीन फोटी सेवन ट्राई पार्ट जो कि गवर्नमेंट इन इंडिया नेपाल और ब्रिटेन के बीच में होती है इंडियन आर्मी सर्च करती है अगस्त ट्वेंटी फाइव इज द स्टार्ट डेट फॉर द रिक्रूटमेंट और फिर यहाँ पर काठमांडू से अप्रूवल लेना पड़ता है अब काठमांडू हर साल यहाँ पर आसानी से अप्रूवल दे देता था इस बार अप्रूवल अभी तक नहीं दिया तो दिस टाइम द गवर्नमेंट इन नेपाल हैज़ कन्वेड द रिक्रूटमेंट कांट गो एट फॉर नाउ एज इट नीड्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू स्कीम तो ये अग्निपथ स्कीम का पहले इम्पैक्ट स्टडी करेंगे और इनका ये कहना है कि अग्निपथ स्कीम जो है वॉयेशन है इस ट्रीटी का क्योंकि इस ट्रीटी में यह लिखा है कि पेंशन तक एलिजिबल होना चाहिए लेकिन इसमें तो पेंशन मिले ही नहीं सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों को तो वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी इज दैट नेपाली सिटीजन्स मस्ट बी अलाउड टू सर्व लॉन्ग इनफ टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन इन अ कंट्री वेयर एंटी इंडिया सेंटीमेंट आर हाई द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास हैज गिवेन अ क्रूशियल इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट पीपल टू पीपल रिलेशन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब विजिट किया था 2014 को तब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर गोरखा लिंक को हाईलाइट किया था और ये कहा था कि गोरखास डिप्लॉयड हैं एल इन कश्मीर में एंड द एल विद चाइना तो पीएम मोदी ने यह बात कही थी कि इंडिया ने कोई भी वॉर नहीं जीता है विदाउट द सेक्रीफाइस ऑफ नेपालीज नेक्स्ट है आर ग्रीन चैलेंज तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया है कि आर अगर अपनी पॉलिसी बनाए मॉन्सरी पॉलिसी बनाए तो क्या उसको यहाँ पर ग्रीन चैलेंज को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए तो एज द वर्ल्ड कोप्स विद द रेपर ऑफ लेगेसी एमिशन दे आर इज ग्रोइंग प्रेशर टू अचीव क्लाइमेट कंपेटेबल ग्रोथ अब क्या ये प्रेशर आर के ऊपर भी होना चाहिए आर बी ये सोच के यहाँ पर मॉन्स्री पॉलिसी बनाए येट द इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन अ सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रिस्पॉन्स फंक्शन इज अ वाइडली कंटेस्टेड इशू अदर्स आर यू दैट क्लाइमेट चेंज इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेंट्रल बैंक दट डज नॉट एड्रेस क्लाइमेट चेंज इज फेलिंग टू डू इट्स जॉब इसीलिए क्लाइमेट चेंज को यहां पर कंसिडर किया जाना चाहिए सेंट्रल बैंक्स कैन गाइड द फ्लो ऑफ फाइनेंस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब कैसे कंट्रोल कर सकती है सॉरी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ये सब कैसे कंट्रोल कर सकती है फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक यहाँ पर अगर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर्स को लोन दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए ग्रीन यहाँ पर सेक्टर को लोन दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में यहाँ पर ग्रीन सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाए तो ये सब किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ऑफर्स पॉजिटिव इंसेंटिव्स टू कमर्शियल बैंक फॉर एक्सटेंडेड ग्रीन क्रेडिट एंड इंडिया इंक्लूड्स रिनेबल एनर्जी विद इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो ये सब किया जा सकता है अब हम चलते हैं आगे बिफोर भारत जोड़ो कांग्रेस जोड़ो तो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे गुलाम नबी आजाद का लेटर है जो कि उन्होंने कांग्रेस को लिखा है वाई पैगास डिड नॉट फ्लाई तो बेसिकली आप पहले ऑथर का डेजिग्नेशन देख लो अब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स आफ्टर द कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी बनाई थी पेगासस के इशू के लिए उसको यहाँ पर ओवरसी किया गया था बाई जस्टिस आर वी रविंद्रन इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑन ऑगस्ट टू आफ्टर एग्जामिनिंग दिस रिपोर्ट अ थ्री जज बेंच लेड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट कि कोई भी पैगासाइवर किसी भी डिवाइस में नहीं मिला है तो ये सब आपको जानने की जरूरत भी नहीं है रिपोर्ट में क्या पता चला सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए पैगासिस क्या है और ये जो कमेटी बनाई गई थी उनको कॉन ओवर कर रहा था दैट सेट पेरीडो तो रीजन पता चल गया है पेरीडो क्यों है तो जो पेरीडोर्फिंग के हम केसेस डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली इट्स सदन राइस ब्लैक स्ट्रीट ड्राफ वायरस नेम्ड आफ्टर सदर्न चाइना वेयर इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन दो हज़ार एक तो दो हज़ार एक में वायरस चाइना में आया था और यही वायरस हमें इंडिया के पैडी में देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये जो पैडी का साइज है छोटा हो गया है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एस आर बी एस डी बी हैज़ बीन फाउंड इन पंजाब द एक्सपर्ट्स एट द लुधियाना पोर्ट्स और ये ट्रांसमिट किससे हो रहा है तो ट्रांसमिट हो रहा है वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर से ठीक है और ये वायरस का नाम क्या है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीट ड्राफ वायरस अब हम चलते हैं आगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट बाई मिस्टेक द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज ऑब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफ लैंड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस बाई छत्तीसगढ़ फ्रॉम इट्स फॉरेस्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड फॉर बिल्डिंग रोड रेल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑब्जेक्ट किया है कि थाउजेंड ऑफ हैक्टर्स ऑफ लैंड ट्रांसफर कर दिया गया छत्तीसगढ़ का टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए और यहाँ पर क्लियरेंस भी नहीं ली गई फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये कहना है ये तो फॉरेस्ट लैंड था ही नहीं ये तो नॉन फॉरेस्ट लैंड है वो तो धोखे से क्लासीफाई हो गया था फॉरेस्ट लैंड की तरह तो वाइल द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ डिस्क्राइब दीज एरियाज इज नॉन फॉरेस्ट लैंड दट वर्ली आर गिवन बाई मिस्टेक टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेकिन इनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि ये जो लैंड इन क्वेश्चन है ये यहाँ पर अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ब्रॉडली स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव जोरिस्डिक्शन ओवर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नोटिफाइड पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन में रिजर्व फॉरेस्ट हैं और दूसरे होते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो रिजर्व फॉरेस्ट वेयर नो राइट्स आर अलाउड अनलेस स्पेसिफाइड तो कोई भी राइट्स अलाउड नहीं है जब तक कोई भी राइट यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कोई भी राइट्स बार्ड नहीं है जब तक स्पेसीफाई नहीं किया जाता तो डिफरेंस पता होना चाहिए रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी राइट्स अलाउड नहीं है कोई भी राइट्स अलाउड नहीं है जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नो राइट आर बार्ड अनलेस स्पेसिफाइड फिर यहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी है जो कि हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए अपलीकेबल होता है वेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट और दे रेवन्यू डिपार्टमेंट और इसीलिए इस स्टार्टुटरी क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी बिफोर फॉरेस्ट कैन भी यूज फॉर एनी नॉन फॉरस्ट पर्पज जैसे कि इंडस्ट्री माइनिंग और कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ट्रांसफर कर दिया गया था टू तो द कॉन्करेंट लिस्ट तो अभी फॉरेस्ट आता है सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट लिस्ट में ये आर्टिकल भी गोरखा के ऊपर ये तो वो भी हम तो डिस्कस कर लेते हैं तो नेपाल ने पोस्टपोन कर दी है शेड्यूल्ड रैली टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स फॉर द इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम व्हाई हैज इट टेकन इट्स डिसीजन तो नेपाली गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस न्यू वे टू एंटर द इंडियन मिलिट्री ये कवर्ड नहीं है अंडर द ट्राई पार्टर एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था बाई नेपाल इंडिया एंड द यूके सून आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस तो रिपोर्ट्स फ्रॉम नेपाल से द गवर्नमेंट इन काठमांडू फील्स इट मस्ट फर्स्ट अप्रूव दैकनीपथ स्कीम तो उसके लिए ये अपने आपस में कंसल्टेशन करेंगे उसके बाद बताएंगे क्या करना है द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया नेपाल एंड यू के साइन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ गोखा सोल्जर्स एज पर द एग्रीमेंट जो चार रेजीमेंट थे सेकेंड सिक्स सेवन्थ एंड टेंथ वो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के पास चले गए थे बाकी यहाँ पर जो थे फोर्स्थ फोर्थ फिफ्थ एट नाइन्थ वो हमारे पास थे फिर एक न्यू गोरखा रेजिमेंट बनाया गया था द इलेवंथ गोरखा राइफल्स दैट वॉज सून रेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस अब इससे क्या हेल्प होती है तो बेसिकली यहाँ पर जो सोल्जर्स उनको जो सैलरीज मिलती है उसका एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है नेपाल के ऊपर आर नेपालीज गोरखाज इन फॉरन आर्मीज मर्सनरीज तो ऑफकोर्स ये मर्सनरीज नहीं है नो एज पर नाइनटीन फोर्टी नाइन जेनेवा कन्वेंशन विच गिव द ऑफिशियली एग्रीड डेफिनेशन ऑफ ए मर्सनरीज सोल्जर्स सर्विंग इन सॉवर्न आर्मीज आर नॉट कंसिडर्ड मर्सनरीज तो मर्सनरीज बेसिकली यहां पर जो पैसों के लिए लड़ाई करते हैं तो ये मर्सनरीज बिल्कुल नहीं है ये एक सॉवर्न आर्मी में सर्व कर रहे हैं इन एडिशन गोरखा सोल्जर्स फ्रॉम नेपाल सर्व साइड बाई साइड विद गोरखा सोल्जर्स जो कि इंडिया में बॉर्न और ब्रॉटअप हुए हैं हाउ has द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा changed ओवर द the years? There हैव बीन attempts टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नेपाल फॉर गोरखा सोल्जर्स तो यहाँ पर कोशिश की गई है लेकिन अभी तक ऐसी कोई डिपेंडेंस कम तो हुई नहीं है आगे है लंपी स्किन डिजीज तो लंपी स्किन डिजीज़ एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन है कैटल में और ये कॉज होता है बेसिकली लंपी स्किन डिजीज वायरस से जो कि वायरस है कैपरी पॉक्स वायरस जीनस इन द पॉक्स वी रेडी फैमिली शीप पॉक्स वायरस और गोड पॉक्स वायरस भी अदर मेंबर्स ऑफ द जीनस कैपरी पॉक्स वायरस एल एस डी वी मेनली इन्फेक्ट्स द काउ एंड इट्स प्रोजनी इसके अलावा एशियन वाटर बफेलो को भी इन्फेक्ट करता है 2019 में इंडिया बांग्लादेश और चाइना में एंटर हुआ था अब ये स्प्रेड कैसे होता है तो इट स्प्रेड्स थ्रू ब्लड सकिंग वेक्टर्स लाइक टिक्स माइट्स एंड मस्क्योज एंड ऑल्सो थ्रू कंटामिनेटेड वाटर फॉर्डर एंड फीड अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली नोड्यूल्स बन जाते हैं तो एल एस डी वी अटैक्स द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन एनिमल और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की लीजियंस हो जाते हैं द एपिडर्मिस और आउटर सर्फेस ऑफ द स्किन सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द इनर लेयर नेक्स्ट हम चलते हैं आगे मॉडर्ना ने फाइजर को सू कर दिया है क्यों सू कर दिया है क्योंकि इनका ये कहना है एम टेक्नोलॉजी हमने बनाई थी तो मॉडर्ना हैज़ अक्यूज फाइजर बायो एंड टेक ऑफ अप्रोप्रिएटिंग टू टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो पहले तो इन्होंने एमआरएनए ले लिया इनका इनका यह कहना था कि हमने बहुत पहले ही एम टेक्नोलॉजी बना ली थी तो वन इन्वॉल्व इन एम स्ट्रक्चर दैट मॉडर्ना सेज इट्स साइंटिस्ट बिगिन डेवलपिंग इन ट्वेंटी एंड वो द फर्स्ट टू वेली इन ह्यूमन ट्रायल्स इन ट्वेंटी द सेकंड एलेस्ट इन इन फ्रिजमेंट वैक्सीन फॉर द कोरोना वायरस दैट कॉजे क्या है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जपोरीजी न्यूक्लियर स्टेशन कहां पर है तो बेसिकली आपको पता है ये तो यूक्रेन में है. टेगरे, टेगरे पर है तो टेगरे है ये इथोपिया में अब हम चलते हैं आगे आई ने यह बोला था कि जो भी पैसेंजर का डेटा है उसको कर देंगे मोनिटाइज तो किसी प्राइवेट प्लेयर या किसी गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीदना चाहती तो उसे बेच देंगे और वहाँ से यहाँ पर जो भी रेवेन्यू आएगा वो कलेक्ट हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर प्राइवेसी इशूज़ के चलते आई ने उस टेंडर को वापस ले लिया यू एस वॉन्ट्स इंडिया टू जॉइन कोलिशन ऑन रशिया फ्यूल प्राइस कैप अब यहाँ पर जो वेस्टर्न नेशन है वो ये चाहते हैं कि जो रशिया यहाँ पर फ्यूल बेच रहा है उसके ऊपर एक कैप लग जाएगी इससे ज़्यादा यहाँ पर प्राइस तो नहीं हो सकता तो वो इंडिया से भी बात करना चाहते हैं कि इंडिया भी इसमें साथ में आ जाए तो इंडिया के लिए तो फायदा ही है अगर ये लोग प्राइस सेट कर दें कि इससे ज्यादा में तो नहीं बेच सकता तो इंडिया को और सस्ते में यहाँ पर मिल जाएगा ऑयल तो एम डेट इज क्वीजिंग रेवन्यू स्ट्रीम्स ऑफ मॉस्को एज पार्ट ऑफ सैक्शन पोस्ट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन द यू एस ऑन फ्राइडे अर्ज इंडिया टू ज्वाइन अ कोलेशन सीकिंग टू एम्पोज अ प्राइज कैप ऑन रशियन ऑयल आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अ नाइस डे